अमरोहा में हसनपुर क्षेत्र के गांव सांथलपुर की गौशाला में जहरीला चारा खाने से 5 दर्जन से ज्यादा गौवंशों की मौत हो गई। वहीं 100 से ज्यादा पशु बीमार हो गए। घटना की जानकारी होते ही ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। डीएम और एसडीओ ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। डीएम ने पंचायत सचिव की गलती मानते हुए उसे निलंबित कर दिया है। वहीं चारे की आपूर्ति करने वाले के खिलाफ आदमपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके साथ ही एसपी एसडीएम सुधीर कुमार और सीओ सतीश चंद्र पांडे भी मौके पर मौजूद रहे। पशु डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंच गई और बीमार पशु का इलाज किया जा रहा है। जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने बताया कि गौशाला में 188 पशु हैं। नया चारा कटिंग करके खिलाने से कई पशुओं की मौत हो चुकी है, बाकी अन्य पशुओं का इलाज चल रहा है। सहारनपुर निवासी ताहिर नाम के युवक से चारा लिया गया था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। वहीं ग्राम पंचायत सचिव अनस को निलंबित कर दिया गया है। चारे का सैंपल जांच के लिए भेजा जा रहा है। चारा आपूर्तिकर्ता की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। सातपुर गौशाला जो कि कसी हसनपुर में आती है, यहाँ पे हमारे कुल 188 इस समय वर्तमान में पशु हैं। और ये मालूम चला कि आज इन्होंने एक नए से चारा लेकर खिलाया है। चारा कल खरीदा था और कटिंग करके आज खिलाया है, तो उसके खाने के बाद से कई पशु हमारे जो बीमार पड़ गए, और उसमें अभी जो बीमार ज़्यादा पड़ गए थे उनको पॉइजन भी हो गया, तो डॉक्टर से इलाज भी कर रहे हैं और कुछ से मृत भी हो गए हैं। लगभग अभी तक की जो संख्या हमारी है वो 25 तक के मृत हैं और बाकी इलाज चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि जल्दी से बाकी स्वस्थ हो जाएंगे। ये कमी जो है इसमें चारे में बता रहे हैं कि चारा खाने से कुछ पॉइजन हुआ है। चारा इन्होंने पहली बार लिया है, तो जिससे चारा लिया था उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। वो ताहिर नाम के व्यक्ति से चारा लिया था, पहली बार लिया था, FIR दर्ज हो गई है, उसके लिए कार्रवाई भी कर रहे हैं। उसको पकड़ने के लिए टीम भेजी गई है पूरी जाँच पड़ताल के लिए। और इसके अलावा हमारी और मंडली टीम भी, डॉक्टर से आ गई, दवाएं आ गई हैं, इलाज चल रहा है। बाकी को जिनको पॉइजन हुआ है जिससे जल्दी स्वस्थ हो सके।